तो अब हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ किला राजस्थान। आपको पता ही होगा भानगढ़ किला राजस्थान का मशहूर किला है, पता करना वही किला है जो इसे बोलते हैं भूतों का किला। क्या ये मैं यहाँ भूत होंगे? तो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भानगढ़ भूतों के किले की दीवार है, इसके अंदर किला है। क्या होगा क्या नहीं मुझे भी नहीं पता, देखेंगे कि रियल में कैसा किला है, क्या बुलबुल है, किसके अंदर वाकई भूत रहते हैं। मुझे तो अभी से ही डर लगने लगा। चलो देखते हैं क्या होता है, चलो चलते हैं। बता जा रहा है कि जो ये मकान दिख रहे हैं आप दिमाग में मकान, ये पूरा का पूरा एक गांव होता था उस टाइम, और ये गांव पूरा का पूरा खाली हो गया था। उसके बाद कोई भी यहाँ नहीं रहता, ये बिल्डिंग जो आधे में घर पड़े हैं ये वही गांव है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ किला। मेरे पीछे ऊपर जाके पहाड़ी पर देखें भानगढ़ किला है, और जो मेरे पीछे देख रहे हैं भानगढ़ किले के पूरे मकान है। बताया जा रहा है पूरा का पूरा गांव उस टाइम उजड़ गया था, पूरा का पूरा गांव इस गांव को छोड़कर चला गया था। यह गांव कई सालों से वीरान पड़ा है, इस गांव के अंदर कोई भी नहीं रहता। अगर जानकारों से बात करें, यहाँ के बंदों से बात करें, तो वो कहता है कि इसके 5 बजे के बाद इसके अंदर कोई नहीं रहता, यहाँ पर केवल और केवल भूतों का बसेरा रहता है, डरावने हर किसी को डर लगता है, रात को यहाँ पर कोई नहीं रहता। आखिर क्या वजह है क्यों रात को नहीं रहते, क्या उस महल के अंदर कुछ अद्भुत घटनाएं होती हैं? चलो हम उसी महल की तरफ जाते हैं, आखिर क्या है उस महल के अंदर, कुछ तो डर हमें भी लगता है, लेकिन देखते हैं। उसमें है वो टू मुंबई टू गोवा, उसमें धक्का दे गाड़ी बंद दरवाजा में रहा सामरी वो है। सामने मेरे पीछे देख रहे भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, ज़बरदस्त मंदिर है, एक देखने लायक है। इसे अंदाजा ला सकते हैं कि उस टाइम भी कितने भगवान के भक्त।
तो लो भाई देख लो जिसका जिक्र करा थे भानगढ़ का किला। फिलहाल अब मैं भानगढ़ के किले के ऊपरली चोटी पर बैठा हुआ हूँ। पूरा का पूरा किला नीचे का इलाका है, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है आपको। और डर लग रहा था कि पता नहीं क्या भूतवा किला आखिर क्या होगा, तो पूरा भूतवा किला घूम के देखा। मेरे साथ यहाँ के आसपास के गांव के लड़के हैं, हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या कहानी इसके पीछे, आखिर क्या भूत वाकई में यहाँ पर भूत रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है, कैसे ये गांव खाली हुआ, किस तरह क्या हुआ था, किसी ने इसको श्राप दिया था। तो पूछते हैं सर, शुभ नाम आपका, कौन हो, कहाँ से? सुरेंद्र कुमार मीणा, फ्रॉम यहीं है हमीरपुर। तो इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह क्या हुआ थी, क्या घटना घटी थी? कर रहे हैं यहाँ पे पहले एक राजा और रानी थी और एक तांत्रिक था, तो उसने श्राप दिया था। मतलब पहले वो रानी खूबसूरत थी तो उसने देखा तो उसको पाना चाहता था, लेकिन वो ना कर रहा। अच्छा, तांत्रिक था, कौन था, कहाँ था, यहीं रहता था कहीं? हाँ, यहीं का था। अच्छा, तांत्रिक यहीं का था, रानी को बहुत चाहता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसको बहुत चाहता था, तो रानी ने उसके साथ शादी करवाया, किस तरह क्या हुआ था? उसने मतलब एक सेंट बनाया था, तांत्रिक की सेंट थी वो, अगर वो उस पर गिरा देता रानी पे, लगा लेती तो वो उसकी हो जाती, वो उसको पा लेता, लेकिन नहीं लगा पाया क्योंकि। तो फिर किस तरह क्या हुआ, कहाँ लगाया उन्होंने? उन्होंने एक पत्थर पे गिर दिया, रानी ने पता चल गया था उदासी, तो पत्थर ही मतलब वहाँ ऊपर से गिर गया तो तांत्रिक पे, तो तांत्रिक तो उसी ने श्राप दिया था रात को भाई, ये मतलब पहले मरने से पहले श्राप दे दिया था उसने। तो किस तरह क्या श्राप दिया था? कि भानगढ़ पूरा किला उस शमशान घाट की तरह बन जाएगा, तो रात की रात ही जो लोग यहाँ पे बच गए वो निकल गए ना, वो बच गए, और जो यहीं थे ना सब फिनिश हो गए। अच्छा, बता जा रहा कि अगर यहाँ पर रहा कोई भी बंदा देखने के लिए आता, यहाँ रात नहीं बिताता, जो वहाँ पर मर गए थे उनकी भटकती हुई आत्मा दिखाई देती या कुछ ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अब बहुत लोग मतलब बहुत टूरिस्ट है आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा रूप में नहीं पाए। और वैज्ञानिक भी ने भी देखा कि यहाँ पर कुछ है, तो मतलब ऐसा यंत्र लगाया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, ना तो यहाँ की कोई जगह आई और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, कुछ भी नहीं आया। तो ऐसी कोई घटना आपको याद है आसपास एरिया में, किसी ने रात यहाँ बिताई और उसके साथ कोई घटना भी? नहीं, अभी तक यहाँ पर रात तो किसी ने नहीं बिताई, थे मतलब 4-5 जन एक था, उन 6 जने थे, उनमें से एक को पता नहीं था पता नहीं अब उसके साथ कैसी घटना हुई, पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे उसे कुछ मिला था, इसी वजह से वो डर के भाग गए। तो बिल्कुल जैसा सोचते थे उससे कुछ ना कुछ एक किसी है। ये जो गांव है पूरा का पूरा खंडर मिलेगा आपको, पूरा का पूरा खंडर है, यहाँ केवल और केवल लोग दिन में आते हैं और शाम को चले जाते हैं, लगभग 9 से 5 का इसका टाइम है, 5 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता। सुनाई देती है रात में, और बताया जा रहा है कि जो रात को अगर आप आवाज़ सुनोगे तो यहाँ पर कुछ अद्भुत आवाज़ सुनाई दे रही देती है।